हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और हमने फॉर्मेट्स पहले ही बना लिए हैं इस बार आपके सामने। देखिए, इस बार क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। ये जो अकाउंट्स लिस्ट किया है मैंने 1 to 7, कहता है अगर इनमें इंक्रीज होगा तो किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में अकाउंट के लिखा जाएगा, ठीक है। और साथ में उसने बोला है मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये जो अकाउंट्स हैं इनके नेचर बताने हैं, तो मैंने नेचर के लिए कॉलम रख लिया है। और ये किस साइड में आएंगे, अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे या क्रेडिट, जब हम बात कर रहे हैं अकाउंट के किस साइड में आएंगे, यानी उसी अकाउंट के अगर इनमें इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। या आप हमारी जो आगे की वीडियोस हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बातें की हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वहां पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। आइए तो फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नेचर की बात करें, ये अकाउंट जो है हमारे फर्नीचर, फर्नीचर का क्या नेचर है। अच्छा, नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे ये एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है या फिर इनकम है, इन 5 चीजों की बातें करते हैं। हम ब्रिटिश सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, अगर आपको लगता है ब्रिटिश सिस्टम में जाना है तो आप वहां भी जा सकते हैं, मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से इनका नेचर क्या होगा, वैसे हम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से इनका नेचर बता रहे हैं आपको। आइए तो मैं एक काम करूंगा, ब्रिटिश सिस्टम के मैं 2 मिनट बाद में ले लूंगा, पहले अमेरिकन सिस्टम से लिख देता हूँ। फर्नीचर, फर्नीचर साहब सीधी सी बात है, एसेट है, हम यूज करेंगे बिजनेस में, तो फर्नीचर का नेचर क्या हो गया, ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर रेंट पेड की, तो रेंट पेड हमारा खर्चा है, हमने किराया पे किया है, ठीक है। इससे हमें भविष्य में तो फायदा मिलेगा नहीं, ये तो इसी साल का बेनिफिट मिल जाएगा इससे हमें। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है तो हमारी इनकम है, इसका नेचर क्या हो गया, इनकम है। नेचर वो 5 जो हेड है अमेरिकन सिस्टम में, वही नेचर है हमारे, उन्हीं 5ों में से किसी में क्लासिफाई होंगे ये सारी चीजें। सैलरी पेड भी खर्चा है हमारा, हमने सैलरी पे की है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो इसका नेचर क्या है, कैपिटल, ठीक है। इसके बाद डेटर, डेटर भी हमारे लिए एसेट है। और बात करें क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है क्योंकि इसे हमने पेमेंट करनी है। आइए अगर आप कहें तो मैं ब्रिटिश सिस्टम से भी आपको बता दूं, ब्रिटिश सिस्टम के लिए हम दूसरा अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ब्लू, हाँ जी स्काई ब्लू है ये। इससे देखें फर्नीचर क्या है हमारे पास, फर्नीचर हमारे पास रियल अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें रेंट पेड की, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, मेरे पास स्पेस पूरा नहीं है, मैं नॉमिनल लिख देता हूं केवल। कमीशन रिसीव्ड भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अगर जो बच्चे ब्रिटिश सिस्टम से पढ़ रहे हैं, वैसे इन्होंने जो नेचर पूछा था वो अमेरिकन से ही बताने वाले थे, मैंने दोनों से बता दिया आपको। सैलरी पेड भी हमारा नॉमिनल है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में 3 अकाउंट होते हैं ना, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। प्रोप्राइटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेटर हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए भी पर्सनल है, डेटर भी पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिटर भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। अब अभी रूल्स वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, और किसी वीडियोस में चर्चा कर लेंगे रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं ये, ठीक है। किसे किसे रियल बोला जाता है, नॉमिनल बोला जाता है, ये सारी चर्चाएं हमने आपके साथ दूसरी वीडियोस में कर रखी हैं। आइए अब आते हैं अगली बात पर। अगला उस क्वेश्चन ने पूछा है, आपने नेचर तो बता दिया, साथ में ये बताइए अगर इनमें इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो 1 मिनट समझा देता हूं। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखिए एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, इसमें क्या रूल लगा रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। एसेट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। रूल ये है कि अगर ये दोनों बढ़ते हैं, इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होंगे, और अगर ये तीनों यानी दूसरी साइड अगर बढ़ती है तो रूल अपोजिट लगेगा, ये क्रेडिट होंगे बढ़ेंगे तो, और ये अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है। यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर देखिए आपके साथ क्या है, सबसे पहले एसेट है, तो एसेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, यानी ये डेबिट साइड में जाएंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैं बार बार आपको रूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक काम करता हूं मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, रूल दिखते रहे। हाँ जी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे। उसके बाद देखिए आप इनकम, इनकम कहाँ है, यहां पर इनकम है हमारे पास, इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस, दोबारा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमने लिखा था। अच्छा, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करेंगे, कैपिटल साइड में है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे इसके अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने बस ये 5 चीजें याद रखनी है, आगे चीजें बहुत आसान है इसके बाद, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट इधर दूसरी तरफ है तो ये क्रेडिट होगी अगर बढ़ेगी तो, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। आपको मैं एक बार पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख लीजिए इसको। हाँ जी, आइए, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, यह है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही, ठीक है ना। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूं, 9261004x7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें सीक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उससे पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है। आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को। अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है।